मोदी भगवत ने भी विनती के लिए, ये तो है वीडियोवर येतो आहे आणि दुसऱ्या काहीही अटी नाहीत। तर आमची एक तिथे लहानशी अट आहे त्यांना एक की त्यांनी आता आपलं जागरण उठून हार घालून कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहे। मी जे सुरुवातीला नाव घेतलं ते प्रथमेशचे सर्व सर्वा श्री अभिराजी प्रवाळकर, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्व पारितोषिक विजेत्यांचं स्वागत करा। आपण पाहता श्री वैजयंतीमाला बालीजी, आमिर खान जी, त्यांच्यानंतर कपिल देव जी, त्यानंतर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर, सुश्री कौशिकी चक्रवर्ती, या दोन्ही जीवलगांच्या प्रती आपण श्रद्धांजली अर्पित करूया। श्री आमिर खान आणि नितेश किरण, किसी और फंक्शन में नहीं जाते, किसी और अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते, लेकिन मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के पुरस्कार में ये दूसरी बार आज विराजित हैं। हर काम में अपने आप को झोंक देने वाले कलाकार, गुणी अभिनेता एवं निर्माता, सिनेमा के क्षेत्र से मिली हुई इतनी बड़ी पहचान उन्होंने देश और समाज के प्रति कुछ अच्छा करने के लिए उपयोगिता में लाई। डिसलेक्सिया जैसी कोई अनदेखी बीमारी हो या फिर सत्यमेव जयते में चर्चा में लाया गया कन्या भ्रूण हत्या जैसा कोई अत्यंत संवेदनशील प्रश्न हो, आमिर जी किसी भी मुश्किल सवाल को भिड़ने से नहीं डरे हैं। यही दंगल हमने देखी अभी अभी एक ऐसी फिल्म में जहां हमारे देश में दिखाई देने वाले विरोधाभास पर उन्होंने बहुत सही टिप्पणी की है। एक जगह हम लड़का और लड़की में भेद करते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे लिए खास बन जाती है, और उसी तरह हम भारत को महासत्ता बनाने का, अतुल्य भारत बनाने का सपना भी देखते रहते हैं। इसी चीज पर एक करारा प्रहार है, दंगल जैसी एक निर्मिति। आने वाले समय में भी आमिर जी और उनकी सहयोगी टीम ऐसे ही फिल्मों का निर्माण कर समाज को, देश को नई दिशा, नई प्रेरणा देती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ आज हम दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से उन्हें गौरवान्वित करते हैं। हम सब के साथ अध्यक्ष जी विनंती करती हूँ आपसे, हमारी भावनाएं उन तक पहुँचाइए।
नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही सम्मान, बड़ा सम्मान है मेरे लिए, नितेश के लिए। नितेश जी लेखक और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दीदी का, दीनानाथ ट्रस्ट का और पूरे कुटुंब का, मंगेशकर कुटुंब का, कि ये इज्जत जो मुझे मिली है, जो हमारी फिल्म को मिली है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिल्म जो होती है वो एक लेखक से शुरू होती है, और इस फिल्म को जो इतना प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है पूरे देश से, उसकी एक ही वजह है कि नितेश जी ने ये कहानी लिखी और इतनी बेहतरीन बनाई है। और इससे पहले कि मैं उनसे कहूँ कि वो दो शब्द कहें, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ, जो कुछ मैं हूँ, उसका श्रेय जो है वो उन सारे लेखकों को जाता है जिनकी फिल्में मैंने की हैं, जिनकी फिल्मों में मैंने काम किया है, वो सारे लेखकों को और वो सारे डायरेक्टर्स को, उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनके बेहतरीन काम की वजह से मुझे एक मौका मिला है कि मैं उसका हिस्सा बन सकूँ, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ये स्वीकार करता हूँ। नितेश जी, एक्चुअली जो भी मुझे कहना था मोस्टली आमिर सर ने बोल ही दिया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा। ये ना सिर्फ मेरे लिए और आमिर सर के लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है, और मैं आपका सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। और साथ में एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ इस देश की पब्लिक का, जिन्होंने दंगल को इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, वो भी हमारे लिए किसी अवार्ड से करनी है। थैंक यू सो मच। विशेष पुरस्कार आणि पुरस्काराचे या वर्षीचे मानकरी आहेत श्री कपिल देव लेखांश। भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में आप हमारे जिले पर राज करते हैं। भारत को पहला विश्व चषक दिलाने वाली वो ऐतिहासिक घड़ी आज भी हमारे नगर पटल पर उतनी ही तरोताजा है। क्रीड़ा जगत में आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको ये पुरस्कार समर्पित करते हुए हम सब आज बहुत गौरव महसूस करते हैं। अध्यक्ष मोहन जी भागवत को विनंती है कि हमारा यही आदर कपिल जी तक पहुंचाए इस छोटे से पुरस्कार के साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। कहते हैं कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो सब कुछ भूल जाते हैं, आज मेरे हालात ऐसे ही हैं। क्रिकेट का मैदान होता तो थोड़ा अलग बात होती, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि कुछ मुझे समझ आने की कोशिश कर रहा था मराठी। आज दुख होता है कि मुझे हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेजेस क्यों नहीं आती, अगर आती होती तो आज मैं मराठी में ज़रूर कुछ बोल सकता। मने मराठी हेत नाए, ये सबसे पहले मैंने शब्द सीखा था कि नहीं आती तो कैसे मैं आप सबको बता सकूं। नमस्कार आप सबको, आप बैठे हुए यहाँ पर, आप सबको भी
अगर मुझे पता होता कि इतनी इज्जत मान मिलती है तो मैं शायद और थोड़ी मेहनत करता। कभी कभी अवार्ड या रिवॉर्ड लेने का कोई सोच नहीं होती जब आप खेलना शुरू करते हैं या कोई कार्यक्रम भी करते हैं, आप अपनी एक धुन में होते हैं और उस धुन के पीछे लगे होते हैं, और उसके बाद जब कोई ऐसे अवार्ड या रिवॉर्ड आपके सामने आते हैं तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि किन शब्दों में किस तरह कहा जाए। मैं लता जी का सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप सबको कहना चाहता हूँ, आज मुझे मौका मिला है इनको धन्यवाद करने का। जब हम 83 में वर्ल्ड कप जीते थे तो क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं था और हमें उसका कोई दुख नहीं था, तो काफी चर्चा हुई उस समय कि क्रिकेटर्स को क्या मिला। ये अक्सर सारे मीडिया वाले बात करते हैं, मिला क्या इनको, हमें तो इज्जत और मान मिला, बहुत मिला, और शायद इतना मिला कि अभी तक उसको संभाल नहीं पा रहे। और फिर एक मुझे कॉल आया कि पूरी इंडियन टीम को एक हम लोगों को इकट्ठा करके लता जी एक आधा गाना गाएंगे और हमारी टीम को कुछ पैसे इकट्ठे कर कर सबको, पहली बार वो एक चर्चा कर रहा हूँ पब्लिक में, हम सबको 1-1 लाख रुपए का चेक मिला था और पहली बार ही मैंने चेक देखा था 1 लाख का। उस समय तो 5,000 रुपए 10,000 रुपए टेस्ट मैच के मिलते थे, तो एकाएक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, ये आए और पूरी टीम हम खड़े थे और हम बता नहीं सकते किस शब्दों में कि उसकी क्या अहमियत थी। पैसा तो था ही, पहली बार लाख रुपए का चेक मिलेगा तो आपको लगेगा अभी तूफान ही आ गया, कुछ हो गया, ऐसा लगा कि हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन आज एहसास होता है कि उसकी अहमियत पैसे की थी, लेकिन वो जो कार्यक्रम किया था वो आज तक हम भूले नहीं हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी तमाम टीम की तरफ से आप सबको, लता जी को खासतौर धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में कोई अवार्ड भी इंडिया में इतना पुराना होगा, क्योंकि मैं पूछ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद दिल्ली में रहते हुए हमें कुछ चीजों का इतना पता नहीं चलता, इग्नोरेंस या कह सकते हैं, तो मैं पूछ रहा था इतना बड़ा अवार्ड है, कितने साल से चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला, तो मुझे अपनी जिंदगी में याद नहीं है कि हिंदुस्तान को आजादी भी नहीं मिली थी उससे पहले अवार्ड चल रहा है, और वो अवार्ड हमें मिल रहा है तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए। यही कहूंगा कि इससे बड़ा अवार्ड जिंदगी में नहीं मिला कि जिसकी अहमियत पिछले 75 साल से चल रही है। तो आज मैं तमाम आप सबको, या जिन्होंने भी मेरा नाम, लता जी ने फोन किया तो मुझे मेरे हाथ से फोन ही गिर गया एक बार, ऐसा होता है जब आप किसी को इतना बड़े इंसान से बात करते हो तो क्या कहूँ, तो इनका फोन आया कि आपको आना है ये अवार्ड। मैंने कहा जी अभी पैदल चलना शुरू करूँ, दिल्ली से पहुँच जाऊँगा, इतने दिन में तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कब आना है, कहते ये डेट है, मैंने कहा जी मैंने चलना शुरू कर दिया, पहुँच जाऊँगा आपके पास, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और तमाम लोगों को जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है। फिर यही कहूँगा कि जब हम खेलना शुरू करते हैं या कोई काम भी करते हैं, कभी किसी इंसान को अवार्ड का ना तो लालच होता है ना ख्वाब होता है, लेकिन ये अवार्ड मिलने के बाद थोड़ा लालच बढ़ गया है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, और इन संस्था को जिसने भी शुरू किया है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए मैं उन लोगों को
तमाम लोगों को जो इस कार्य के पीछे काम करते हैं, जो चेहरे हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जो इनके पीछे लोग काम करते हैं मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहता, अक्सर हो जाता हूँ, लेकिन ये दिन मेरी जिंदगी का ख्वाब या बहुत ही खास दिन है और मैं कभी इसको भूलने नहीं दूंगा। धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सेहत मिले, आपके परिवार को, सबको धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। पुरस्कार त्यांनी आपल्या